हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट. द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द एलसीएम एंड एससीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, तो अपने पास तीन नंबर्स दिए गए हैं. इन तीन नंबर्स का मुझे एलसीएम निकालना है एंड एससीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, चलो फिर हम हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. तो द फर्स्ट नंबर इज व्हाट? 8. तो मैं 8 को फर्स्ट ऑफ ऑल किससे डिवाइड करूंगा? 2 से. देन दिस इज व्हाट? 4. इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, दिस इज व्हाट? 2. फिर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, दिस इज 1. राइट, नाउ कम टू द सेकंड नंबर, दिस इज व्हाट? 9. 9 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, दिस इज 3, एंड 3 वंस आर 3. राइट, एंड नाउ कम टू द 25. 25 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से. तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? 5. इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे, दिस इज व्हाट? 1. तो यहाँ पे देखिए, हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 इज व्हाट? 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 2 क्यूब. और यहाँ पे 9 को क्या लिख सकते हैं? दिस इज 3 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर. एंड 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर. तो अब अगर मैं इनमें एस सी एफ देखूँ, तो एस सी एफ क्या है कि यहाँ तो देखिए कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है एक्सेप्ट 1. इसको मैं 1 क्रॉस के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस एंड 1 इंटू दिस. तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1. दिस इज अ रिक्वायर्ड एससीएफ. अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा तो एलसीएम क्या होता है? देखिए, हम हर एक नंबर के, हर एक प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट को लिख लेते हैं. अगर वो किसी में मैक्सिमम होता है तो वो मैक्सिमम वाला हम काउंट कर लेते हैं. जैसे 2 क्यूब, तो 2 क्यूब सिर्फ इसी 8 में प्रेजेंट है और किसी में तो है नहीं, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे, दिस इज व्हाट? 2 क्यूब. 3 स्क्वायर कहीं और तो है नहीं, इसको भी कंसीडर कर लेंगे हम. एंड 5 स्क्वायर. राइट, तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो रिक्वायर्ड एलसीएम होगा गिवन 3 नंबर्स का. तो आई होप इनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. एंड द प्रोडक्ट इज व्हाट? 1800. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो. थैंक यू.